कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो SKT के बच्चों के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड जहां तक सभी बच्चों की आ चुकी है, मैसन के और नर्सिंग असिस्टेंट के, तो SKT के भी आने ही वाले हैं। मैं आपको बता दूं जी, मैं वीडियो इसलिए बनाई है, सर्वे हम करेंगे जिसमें से SKT के बच्चे कमेंट सेशन में जाके वो कमेंट करेंगे कि उनकी 10th में 12th में कितनी परसेंटेज है। भाई मेरे को लगता है कि जो SKT के बच्चे हैं, स्टोर कीपर टेक्निकल, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है और इसमें से परसेंटेज तो उठाई जाएगी भाई। हर किसी का वो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं डाल देंगे, उसकी कोई क्राइटेरिया होता है, इतनी परसेंटेज इतनी रेशो बना के वो बच्चों के नाम डालेंगे। तो आप भाई जितने भी बच्चे हैं SKT के जो एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, तो आप जाके कमेंट सेशन में जाके आपको क्या करना है, अपनी 10th और 12th की और कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपका कंपटीशन रहेगा, तो कैटेगरी लिखनी है और 10th और 12th की मार्क्स लिख देने हैं। तो भाई बाद में हम सर्वे करेंगे इस कि कितने परसेंटेज वाले बच्चों की संभावना है इस स्टोर कीपर टेक्निकल के बच्चों के एडमिट कार्ड आने की। तो भाई रही बात, मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ जो आए थे, जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से BRO में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। आप बच्चे तैयारी करते रहिए, सिलेबस के रिकॉर्डिंग अपना तैयारी रखिए, और भी बुक्स बहुत सारी हैं स्टोर कीपर टेक्निकल की, नर्सिंग असिस्टेंट के रिलेटेड, तो उस पर भी आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए भाई, क्योंकि अच्छी मतलब कि BRO का जो नौकरी है बहुत अच्छी है। जहाँ तक बच्चे जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड है जुड़े हुए, तो वो बोल रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, एंजॉय, मतलब कि अच्छा काम है, कोई ज़्यादा टेंशन का काम नहीं है। इसलिए आप तैयारी करिए स्टोर कीपर टेक्निकल वाले, और भाई जुड़े रहना, टेलीग्राम का व्हाट्सअप का लिंक मैंने डाल दूंगा और उसमें जुड़ जाना ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो भाई धन्यवाद, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा, आप सारे कमेंट करें ज़बरदस्त तरीके से। धन्यवाद।